हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे की सेव। तो एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आज हम बनाएंगे और एकदम सॉफ्ट बनती है और उसको आप एक साल तक भी स्टोर कर सकते हो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कप मैंने चावल का आटा लिया है इधर, और 1.5 कप पानी लेना है, वो उसका मेज़रमेंट है। और इधर मैंने गैस भी चालू कर दिया है। अभी हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कि उसमें लम्स न होए। इधर मेज़रमेंट का कप लिया था, आप वाटी से भी ले सकते हो। 1 वाटी चावल का आटा है तो 1.5 वाटी पानी लेना है, बस उतना ध्यान रखना है। तो चलो अभी हम उसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया। अभी इसमें मैंने डाला पापड़ का खारा, जो मिलता है मार्केट में, इजीली मिल जाता है किराना के शॉप में। तो अभी हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मिक्स करते रहो तो ऐसा बैटर बन के तैयार होएगा। अभी हम उसको 10 मिनट ढक के रख देंगे तो अच्छे से पक के हो जाएगा। अभी 10 मिनट हो गया है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। वापस से हम उसको 5 मिनट तक ढक के रख देंगे। अभी 1 वाटी में मैंने ऑयल लिया है। अभी 1 ग्लास को मैंने ऑयल लगा दिया है। अभी आटे को हम अच्छे से मस लेंगे तो हमारा सेव भी अच्छा सॉफ्ट बनता है। और इधर मैंने संचा भी ले लिया है, उसमें भी हम अच्छे से ऑयल लगा देंगे। मैंने एकदम बारीक वाला जाली लगाया है। अभी आटा भी गर्म है तो फटाफट बना लेंगे। तो चलो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी हमने सेव बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही अच्छा बन रहा है हमारा सेव। देखने से ही अच्छा लगता होगा गाइस आपको। चलो अभी फटाफट से सब सेव हम बना लेंगे। अभी सब सेव हमारा बनके तैयार है। 2 दिन हम उसको धूप में सुखाएंगे। 2 दिन के बाद हमारा सेव ऐसा बनके तैयार हुआ है। तो अभी हम उसको फ्राई करके भी देख लेंगे। बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो अभी ये कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने को रखा है। तो चलो अभी फ्राई करके भी देख लेते हैं। एकदम मस्त हुआ है, एकदम वाइट एंड सॉफ्ट हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी। सिंपल सी रेसिपी है, देखने से भी आपको अच्छा ही लगता होगा तो खाने में भी इतना ही टेस्टी है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।